नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे मोबाइल चार्जिंग के बारे में। जैसा कि मतलब मोबाइल चार्जिंग पे लगा होता है, हम लोग बात करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल जब चार्जिंग मोड में होता है तो उस समय उसका जो सर्किट होता है, उसके अंदर पूरा जो सर्किट लगा हुआ होता है वो पूरा हीट हो जाता है, और जो मोबाइल की हमारी बैटरी होती है वो भी हीट हो जाती है। दोनों चीज़ें हीट हो जाती हैं, और जब अगर हम बात भी करने लगते हैं उस समय किसी का फ़ोन आ गया मान लिया, तो हम बात करने लगते हैं तो मोबाइल और ज़्यादा हीट हो जाता है, ओवरलोड पड़ जाता है। तो उससे होता क्या है कि हमारा मोबाइल डैमेज होने का भी खतरा रहता है, या जो बैटरी मोबाइल में पड़ी होती है वो ब्लास्ट होने की, फटने की मतलब डर रहता है, और मतलब खुद का नुकसान हो सकता है। तो अपने आप को सेफ रखें, मोबाइल को भी सेफ रखें। मोबाइल जब चार्जिंग मोड में हो तो उस समय बात ना करें, बिल्कुल बात ना करें। दूसरी बात ये भी रही कि जब चार्जिंग मोड में होता है तो उस समय जो मोबाइल हमारा होता है उसकी बहुत सी एप्लीकेशन रनिंग में छोड़ देते हैं। जैसे मान लिया डाटा ऑन है, या वाईफाई ऑन है, या हॉटस्पॉट ऑन है, दूसरे से कनेक्ट कर रखा है, तो मोबाइल तो जो चार्जिंग अगर एक घंटे में चार्ज हो रहा है तो फिर वो कम से कम 50 मिनट 40 मिनट और ओवर लेगा। तो क्या करें, जो हॉटस्पॉट है या वाईफाई है या जो डाटा है, तीनों चीज़ों को ऑफ करके रखें, फिर चार्जिंग पर आप लगाएँ तो देखेंगे कि मोबाइल जो पहले की अपेक्षा बहुत कम हीट हो रहा है, कम हीट भी होगा, और जो हमारा हैंगिंग की प्रॉब्लम आ रही वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जब डाटा इसका ऑन होता है या फिर वाईफाई ऑन होता है या हॉटस्पॉट ऑन होता है, तो ये सारे मतलब मोबाइल और एप्लीकेशन रनिंग में हो जाती हैं। जब ये रनिंग में हो जाती हैं तो उससे मोबाइल और ज़्यादा हीट होता है। तो इन सबको आप ऑफ करके चार्ज करें तो बहुत जल्दी चार्जिंग होगी और हीट जो है बहुत कम होगा, और बात तो बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात यह है कि जैसे मोबाइल जब चार्जिंग में है तो उस समय जब चार्जिंग मोड में लगा है तो ना वीडियो चलाएं और कुछ भी कार्य ना करें। जैसे वीडियो देखने लगते हैं नेट से, या फिर कुछ और भी एप्लीकेशंस चलाने लगते हैं, तो उससे सोचते हैं चलिए चार्जिंग भी हो रही है और हम अपना काम भी कर ले रहे हैं, तो ऐसा ना करें। क्योंकि उस समय चार्जिंग की प्रोसेसिंग जो होती है, जब हम मोबाइल चलाते हैं चार्जिंग के टाइम, तो प्रोसेसिंग और स्लो हो जाती है। तो इसलिए अगर चार्जिंग के टाइम मोबाइल रखा रहने दें तो उससे जल्दी भी चार्ज होगा, और जो पीछे बैक कवर जो लगा हुआ है इसे हम आपको हटा के भी दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपको बैक कवर हटा देते हैं फिर चार्जिंग पे लगा देते हैं, ये गर्मी में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, ठंड में नहीं आती है। ये हीटिंग की प्रॉब्लम, क्योंकि इस समय मौसम वैसे हीट चल रहा है, तो अगर इसका बैक कवर हटा के चार्ज करेंगे तो उससे हीटिंग की प्रॉब्लम और कम हो जाएगी। क्योंकि जो कवर होता है उससे हीटिंग निकल नहीं पाती है जल्दी, निकलती तो है लेकिन जल्दी नहीं निकल पाती है। अगर कवर हटा देंगे तो और जल्दी हीटिंग निकल जाएगी, तो उससे और कम हीट होगा। तो अगर हो सके तो कवर निकाल के भी आप चार्ज कर सकते हैं, कवर निकाल के अगर चार्ज करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यही सारी चीज़ें मतलब यही इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, बात ना करें, नेट ना चलाएं, और जो मतलब हमारे रनिंग में एप्लीकेशन है जैसे वाईफाई बताया, या क्या कहते हैं डाटा है, या हॉटस्पॉट है, इन सारी चीज़ों को बंद कर दें, फिर मोबाइल को चार्ज करें, मोबाइल चार्ज करने की क्षमता बढ़ेगी और जो हीटिंग की प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगी। तो इन्हीं बातों का बस थोड़ा ध्यान रखें, और ख़ुद को भी सेफ रखें, मोबाइल को भी सेफ रखें, और उससे होगा क्या कि मोबाइल हमारा लॉन्ग टाइम चलेगा, जैसे मोबाइल की जो है क्षमता बढ़ जाएगी लंबे समय तक के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।